हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट बैंक डिडक्शन। अगर आप बीबीएस फॉर्मेट बना रहे हैं तो आपको बैंक डिडक्शन मालूम होना चाहिए, जब भी आप बीबीएस फॉर्मेट आप बना पाओगे। देखिए, पेन वी बेंड अ स्टील बार, जब भी हम स्टील बार को बेंड करते हैं तो लेंथ ऑफ बार स्लाइटली इंक्रीज ड्यू टू द स्ट्रेचिंग इन द बेंडिंग एरिया। ठीक है, आपने बेंड किया तो ये इसकी लेंथ स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। द एक्सपेंशन ऑफ लेंथ डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील एंड डिग्री ऑफ बेंड। ये डिपेंड करता है कि आपका ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, डिग्री ऑफ बेंड क्या है। सपोज करिए आप 90 डिग्री पे बेंड कर रहे हैं तो आपका जो लेंथ है स्लाइटली थोड़ा कम इंक्रीज होगी। अगर आप 135 डिग्री और 180 डिग्री पे बेंड कर रहे हैं तो आपका थोड़ा ज्यादा एलोंगेशन होगा। ये डिपेंड करता है आपका डिग्री ऑफ बेंड पे एंड ग्रेड ऑफ स्टील पे। नेक्स्ट हम बात करें तो लेंथ इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ बेंडिंग डिग्री। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे आप बेंड करोगे तो इसका एलोंगेशन वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। एंड डिक्रीज विद द हाइगर ग्रेड स्टील, ये आपको क्लियर है। ग्रेड कौन से होते हैं हमारे स्टील के? एफ ई 250, एफ ई 450, एफ ई 500। आपने देखा होगा टीएमटी, एचडी, टीएमएक्स करके हमारे जो ग्रेड आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपके बेंड है, ये आपका एलोंगेशन होता है जब भी आप बेंड करते हैं, तो ये आपका 180 डिग्री में। अब ये कितना होता है ये आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, देखने से पहले आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जिसका नाम है फील्ड वर्क एक्सपर्ट। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट शेयर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखिए दोस्तों, अगर आप 45 डिग्री पे बेंड करते हैं, आपका ये आपका रेनफोर्समेंट है। अगर आपने इसे 45 डिग्री पे बेंड किया तो आपका कितना एलोंगेशन होता है? बंडी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जितना आप बेंड करोगे उतना आपका एलोंगेशन होगा 45 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे डी क्या इंडिकेट करता है? डाया इन एमएम, डायमीटर ऑफ आपका जो भी रेनफोर्समेंट है उसे एमएम में रिप्रेजेंट करता है। बंडी यानी आपका कितना एलोंगेशन हुआ। अगर आपका रेनफोर्समेंट 8 एमएम का है तो 1 × 8 एमएम आपका एलोंगेशन हुआ। सेकेंड पॉइंट है हमारा 490 डिग्री बेंड के लिए कितना एलोंगेशन होता है। अगर हम 90 डिग्री बेंड करते हैं हुक के लिए तो कितना एलोंगेशन होता है? अगर आप एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड करते हैं बीम में तो वो भी 90 डिग्री पे करते हैं आप, तो देखिए 2D एलोंगेशन होता है हमारा 2D। अगर आपका सपोज करिए 16 mm का बार है तो कितना एलोंगेशन होगा? 2 × 16 32 mm। नेक्स्ट आता है आपका 135 डिग्री पे आपको अगर बेंड करना है, सपोज करिए आप हुक बेंड कर रहे हैं 135 डिग्री पे इंटरनली जो भी आपके स्टीरअप्स के हुक हैं, तो कितना एलोंगेशन होगा? देखिए ये आपका ग्राफ बढ़ते जा रहा है रेड कलर, जितना आप बेंड कर रहे हैं उतना ज्यादा ये बढ़ते जा रहा है। 3D यानी आपकी जो स्टीरअप्स का डाया रहता है मोस्टली वो आपका 8 एमएम का रहता है, तो 8 × 3 24 एमएम आपका एलोंगेशन हो जाएगा रेनफोर्समेंट में। यानी आप जितनी भी कटिंग लेंथ निकालोगे स्टीरअप्स की उसमें आपको माइनस करना है 24 एमएम, तब जाकर आपकी एक्चुअल लेंथ निकल कर आएगी। नेक्स्ट आता है आपका 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए बैंड आपका हो जाता है यहां से यहां तक 4D। देखिए जैसे जैसे आपका ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप स्टील बेंड कर रहे हैं, यहाँ आपका ग्राफ कुछ अलग था, यहाँ पे कुछ बढ़ गया है, यहाँ पे और बढ़ गया है, यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया है। तो इस प्रकार आपका जैसे जैसे आप बेंड करेंगे उतना आपका ये बेंड एलोंगेशन बढ़ता जाता है, 4D हो जाता है। यहाँ आप कैलकुलेट करोगे, सपोज करिए आपका एंकरिंग लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं हम रेनफोर्समेंट में, तो आपका 4D यानी 4 × 8 mm का अगर रेनफोर्समेंट है तो 8 × 4 = 32 mm आप प्रोवाइड करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा मैं जब भी वीडियो डालता हूं। लाइक कमेंट शेयर आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।